छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी तब एक फार्मूला तय किया गया था। ऐसा बताया जा रहा था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 2.5 साल के सीएम रहेंगे टीएस सिंहदेव। 4 साल होने वाले हैं, सिंहदेव इंतजार ही करते रह गए और अब उनका धैर्य भी जवाब दे रहा है। द सूत्र से बातचीत में कैसे झलकी सिंहदेव की पीड़ा और दर्द, देखिए। आप लगातार दिल्ली प्रवास में हैं, तो दिल्ली प्रवास की आपकी जो बार बार की प्रदक्षिणा है वो सफल नहीं हो पा रही है या आपका धैर्य ज्यादा है? अभी तो धैर्य को चुनौती मिल रही है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस मंशा को समझते हुए, जैसे आपने उस बात का नाम लेके नहीं पूछा तो मैं भी बिना नाम लिए कह रहा हूं कि वो स्थिति अस्पष्ट सी दिख रही है, क्लियर उसमें कोई बात सामने नहीं आ रही है। हाँ या ना स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं तो हाँ ही मान के चल रहा था, लेकिन अभी ना भी नहीं हुआ है, हाँ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो जवाबदारियां तब तक मिल रही हैं मैं मना नहीं कर पा रहा, तो मैं दूसरी भी जवाबदारियां जो भी हाईकमांड देता है मैं उसका उनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ, आगे जो भी हो। आपकी समस्या क्या, कहते हैं कि अब निर्णय लेने का वक्त आ गया है, आप क्या कहते हैं? जीवन में तो निर्णय होते रहते हैं, समय समय पे निर्णय लेने पड़ते हैं। परिवार इतने सालों से जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो उसके बाहर सोचने की गुंजाइश मेरे पास नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है, ये भविष्य के घर में है। पर मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं बाहर जाऊं ऐसी कोई संभावना नहीं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।